राजधानी शिमला के लिफ्ट के समीप बहुमंजिला पार्किंग का मसला जल्द सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि पानी और बिजली की सुविधा नगर निगम को बकाया राशि देने के बाद ही बहाल होगी। पार्किंग संचालक को निगम को 7 करोड़ की राशि देनी है। इसके अलावा पार्किंग में नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण किया गया है, जिसके चलते नगर निगम ने पार्किंग की बिजली पानी का कनेक्शन ही काट दिया है। यही नहीं, नगर निगम ने साफ कर दिया है कि यदि नियमों के तहत पार्किंग का संचालन नहीं किया गया तो इसे सरकार अपने कब्जे में भी ले सकती है। हालांकि नगर निगम द्वारा पार्किंग चलाने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन इसका समय तय कर दिया गया है। पार्किंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी। शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि ये पार्किंग लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर लोगों की सुविधाएं कम, पार्किंग संचालक अपने फायदे के लिए पार्किंग को चला रहे हैं। पार्किंग में मनमाने दाम गाड़ियों से वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। यही नहीं, पार्किंग संचालक द्वारा जो नगर निगम को पैसा देना था वो भी कई वर्षों से नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्किंग संचालक की मनमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि नियमों के तहत ये पार्किंग नहीं चलाई जाती तो सरकार इसे ओवरटेक भी कर सकती है। हमारे यहाँ पे जो ये पार्किंग्स थी, जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, तो उन पार्किंग्स में अभी तक जितने भी हमारे ये जिन्होंने लीजी है, जिन्होंने ली है ये पार्किंग्स, इन्होंने अभी तक हमारे को एक पैसा रेवेन्यू के नाम पे नहीं दिया। वो पार्किंग पब्लिक के फायदे के लिए है, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली पब्लिक का उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो एक जिनको आगे लीज आउट की गई थी वो ही फायदा उठा रहे थे उस चीज का। वो अपने मुताबिक उसके चार्जेस ले रहे थे और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, अपने कमर्शियल एरियाज खोल दिए हैं जो कि अलाउड नहीं था वहां पे, बहुत कुछ उसमें वो हुआ। उसमें हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, अब जो चलेगा स्मूथली चलना चाहिए। और अगर वो जो ये हमारे जो ड्यू अमाउंट है के पास वो सबमिट करे, उस पैसे को हम वसूलने की पूरी कोशिश करें ताकि पब्लिक के काम में वो पैसा आए। और हमारे को कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो पब्लिक या इन पार्किंग्स को कोई भी चला सकता। अगर फिर भी उनके मन में कोई गलतफहमी होगी या ये मतलब इसी तरीके से चलाना चाहेंगे जैसे पीछे भी उन्होंने 5 साल तक ये किया गवर्नमेंट के जिसे कहते हैं हेल्प के साथ, पर कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी चीज बिल्कुल नहीं मानेगी। और जो ये इशू उठेगा तो हम इसको ओवरटेक करने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। बता दें, शिमला के लिफ्ट के समीप पार्किंग बनाने वाली कंपनी ने 1 करोड़ रुपए सालाना 2016 से नगर निगम को देने थे। प्रशासन का कहना है कि इनमें से कोई भी पैसा नगर निगम प्रशासन को नहीं मिला। इसमें पार्किंग संचालक का दावा है कि उसे पार्किंग का कम्प्लीशन 2019 से मिला। ऐसे में 1 करोड़ की राशि 7 साल की बजाय 4 साल की ही वसूली जानी चाहिए। इस मामले में बातचीत भी जारी है। दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन का कहना है कि 2016 में ये पार्किंग बना कर दे दी गई थी। अब देखना यही है कि इस विवाद का अंत कहां पर जाकर होता है और स्थानीय लोगों व पर्यटकों को हो रही परेशानियों का समाधान कब तक हो पाता है।